कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के तत्वों के लिए सही है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाते हैं ये बता रहा है। तो 2, 8, 18 होता है, ठीक है, 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉनिक धातु तत्वों के लिए बोल रहा है। अधातु ने धातु तत्वों के लिए सही कौन है? 2, 8, 18 दो, ठीक है, 2, 8, 18 ये धातु तत्वों के लिए है। ओके, 10, 30 हो गया, तो धातु के लिए 2, 8, 18 दो होगा। ओके, इसमें पहले सेल 1, सेल 2 और सेल 3 और सेल 4 इसको के एल एम से दर्शाते हैं। इसमें 2 होता है, एल में 8 हो सकता है, एम में 18 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है। ये इस प्रकार धातु तत्वों का सेल है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सेल कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं। धातु तत्वों के लिए होता है 2, 8, 18, 2, 2, 8, 18, 2, 2, 8, 18, 2, 2, 8, 18, 2, 2, 8, 18, 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए। धातु के लिए होता है, ओके, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, तो परमाणु यानी एटॉमिक नंबर मैंने परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को ए से दर्ज करते हैं। ओके, तो 2 हो जाएगा। किसी परमाणु में 2 प्रोटॉन है तो 2 परमाणु संख्या हो जाएगा, 2 ही इसका परमाणु संख्या होगा, 2 ही इसका परमाणु संख्या, 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इसका परमाणु संख्या होगा। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, देखिए आपका मान लीजिए कि फेरेस है, इसमें नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या से। क्यों? क्योंकि अब इसमें चार्ज ज़्यादा आ गया ना, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, इसलिए प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, ऋण आवेशित कोई जैसे कि और ले लीजिए, जैसे Cl- ले लीजिए। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 जो होता है वो करके अब 18 हो जाएगा अब इसका, ठीक है। तो ऋण आवेशित जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम होती है, ऋण आवेशित प्रोटॉन में, ऋण आवेशित जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी, क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा आ गया है, इसलिए निगेटिव संख्या ज़्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी प्रोटॉनों की संख्या, ऋण आवेशित परमाणु में क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ऋण आवेशित कोई एटॉमिक एटम है, अगर नेगेटिव कोई एटम दिया हुआ, ओके, तब उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की तुलना में, यानी प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगी। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की, तब सभी अल्फा कणें क्या किया था? अधिकांश अल्फा कण कोण बनाकर 9, अधिकांश अल्फा सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार कर गए, बिना विक्षेपण, देखिए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चल गए थे। सभी नहीं, अधिकांश बोलना होगा, क्या होगा? अधिकांश अल्फा कण बोल रहा, सभी नहीं, इसमें यही गलती हुआ कि मैंने सभी बोला। ओके, तो सभी नहीं होकर के अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार किया था, अधिकांश अल्फा कण धातु के विक्षेपण करके पार हुआ था। ओके, अधिकांश अल्फा कण धातु के बिना विक्षेपण करके पार हुआ था, अधिकांश अल्फा कण धातु के बिना विक्षेपण यानी बिना विक्षेपित करते, बिना छेद करते हुए पार कर गया था, यानी बिना डिफ्लेक्शन होते हुए पार कर गया। तो धातु की प्रकृति को ज्ञात किया जाता कैसे? धातु की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा किया जाता है। धातु की प्रकृति को ज्ञात किया जाता कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। धातु की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। धातु की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्व की प्रकृति ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होता है। देखिए अभी आप हमको बताया था के सेल होता है, फिर एल होता है, फिर एम सेल होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 18 हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इस प्रकार एम सेल में कितना सेल हो गया, के एल एम। तो एम में आपको कितना दिखाई पड़ रहा, 18 दिखाई पड़ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 18। एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 18। एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। एम सेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी, एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। 2 एल में, इसमें 2 के में, इसमें एल में, ये एम में होता है, ठीक है। 2 होगा के में, एल होगा 8 में, 18 होगा इलेक्ट्रॉन, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन। एम में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित की थी, संरचना बोल रहा परमाणु मॉडल का, तो बोर एंड रदरफोर्ड ने कहा था। देखिए परमाणु संरचना का मॉडल बोल रहा था, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल रहा, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने विकसित किया था, बोर एंड रदरफोर्ड ने। बोर एंड रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया था, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने व्यक्त किया था, बोर एंड रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित की थी, बोर एंड रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किसने किया था, बोर एंड रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित की थी, बोर एंड रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, बोर एंड रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल बोर एंड रदरफोर्ड ने विकसित किया था।